India's on the road to set up a semiconductor manufacturing unit in the western state of Gujarat. It's over 1.54 lakh crore rupees to set up a semiconductor manufacturing facility in Gujarat. Gujarat mein semiconductor plant lagane ja rahi hai. And this is, we were dreaming for this for last 10 years. Semiconductors are gonna be the game changers. वेदांता जो गुजरात की फैक्ट्री में मेजर इन्वेस्टर है, उनके चेयरमैन ने ये कहा है कि इस फैक्ट्री के बिल्ड होते ही इंडिया में 1 लाख रुपए वाले लैपटॉप्स का प्राइस घट के 40,000 रुपए हो जाएगा। लेकिन अब सवाल आता है कि कैसे, या फिर ये सिर्फ एक टाइप की मार्केटिंग है। वेल फॉर दैट मैटर लेट्स स्टार्ट विद कि आखिर सेमीकंडक्टर होता ही क्या इन द फर्स्ट प्लेस एंड व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट। वेल टू आंसर योर क्वेश्चन एंड टू पुट इट वेरी सिंपली, सेमीकंडक्टर्स आर लाइक ब्रेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जैसे हम सभी को पता है कि कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और इंसुलेटर्स रेजिस्ट करते हैं, और एक इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी कह लो या पीसीबी बनाने में दोनों की जरूरत पड़ती है। और ऐसे में अगर हम कंडक्टर्स और रेजिस्टर्स दोनों को यूज करें तो ओवरऑल सर्किट बहुत ही बल्की हो जाएगा। लेकिन सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो अकेले ही दोनों का काम कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर होते हैं मिलियंस ऑफ छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स जो कि कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन को रन कर सकते हैं, एंड हेंस आज ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ आज की तारीख की बात करें तो एट प्रेजेंट कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है जिसमें सेमीकंडक्टर नहीं यूज होता हो। ऑल फ्रॉम टीवी, स्मार्टफोन्स, एसी, ऑटोमोबाइल्स, एटीएम कार्ड्स टू डोरबेल्स, लाइट बल्ब्स, इवन वॉचेस। ग्लोबली अगर देखा जाए तो एवरी ईयर अराउंड 1 ट्रिलियन सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। सो इट्स नो सरप्राइज कि 2021 में द ग्लोबल सेमीकंडक्टर चिप प्रोडक्शन बिकेम अ $530 बिलियन कंपनी। सिंपल वर्ड्स में ये डेटा को इंटरप्रेट करके अगर मैं आपको बताऊं तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स का कोर है सेमीकंडक्टर्स। अब सवाल ये उठता है कि गुजरात में फैक्ट्री सेटअप हो रही है तो इससे हमारा क्या फायदा? Well, इससे इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का प्राइस एकदम कम हो जाएगा। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको पहले बताया, वेदांता के चेयरमैन ने ये कहा है कि 1 लाख में बिकने वाले लैपटॉप्स यहाँ पर 40,000 में बिकने लगेंगे। And now, just put that in the context of India. Electronics is constantly on rise in India. जहाँ के शहरों में सिर्फ 23% और गांवों में जस्ट 4% लोगों के पास कंप्यूटर्स है, एंड यहाँ पर 3 करोड़ स्टूडेंट्स के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एक्सेस ही नहीं है। इमेजिन इंडिया के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कितना बेनिफिशियल होगा। जब इंटरनेट इंडिया में आया था कितने लोगों का भला हुआ था, अब सेमीकंडक्टर्स की फैक्ट्री आ गई, इलेक्ट्रॉनिक्स चीप हो गए, अब इमेजिन करो कितने लोगों का भला होगा। अगर आज की तारीख की बात करें तो अब तक इंडिया सुपरकंडक्टर चिप्स के लिए पूरी तरीके से दूसरे नेशंस पर ही डिपेंडेंट है। इंडिया में अबाउट 100% सेमीकंडक्टर्स बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। हम ऑन एन एवरेज $2.38 बिलियन स्पेंड करते हैं जस्ट टू बाय सेमीकंडक्टर्स फ्रॉम कंट्रीज लाइक चाइना, सिंगापुर, हांगकांग, जापान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। सो पिक्चर दिस, 138 करोड़ की आबादी वाला देश विद एन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट साइज ऑफ $73.7 बिलियन और दुनिया के सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज में से सिर्फ 2% ही यहाँ सिचुएटेड है। एंड अनफॉर्चुनेटली 2% भी आर नॉट एट पार विद द एडवांसिंग टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स। जैसे फॉर एग्जांपल मोहाली में स्थित सुपरकंडक्टर लेबोरेटरी SCL मैन्युफैक्चर्स शक्ति प्रोसेसर्स, बट वो सिर्फ 180 नैनोमीटर्स के ही चिप्स बनाता है। Whereas, अगर आप अवेयर हो तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स स्मॉलर एंड मोर एफिशिएंट चिप्स। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, आज के तारीख में आप स्मार्टफोन्स जो यूज कर रहे हो उसमें यूज हो रहे हैं चिप्स जो कि 5 से 22 नैनोमीटर्स के रेंज में। अब उसे कंपेयर करो 188 नैनोमीटर्स से, सो यू कैन सी कि इंडियन टेक्नोलॉजी काफी रिडंडेंट हो चुकी है। सो अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि आज तक इंडिया इतने इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री में सेल्फ सफिशिएंट क्यों नहीं हो पाया? वेल द रियलिटी इज फ्रेंड्स कि इतने सालों से इंडिया की काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज बनाने में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे रिटर्न्स आपको इमीडिएटली नहीं बल्कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मिलता है। और इसीलिए इंडियन कंपनीज केवल डोमेस्टिक नीड्स फुलफिल कराने के लिए कन्वीनियंटली बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे इसे। ऊपर से इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन इलेक्ट्रॉनिक्स पर ज्यादा टैरिफ्स भी लगाती है और इससे इंपोर्टेड आइटम्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और इसी के वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और ऊपर से उन पर प्राइस कम करने का कोई प्रेशर नहीं होता। सो ऑब्वियसली इतने कन्वीनियंट एनवायरनमेंट में इंडियन कंपनीज में एक कॉम्पिटेटिव स्पिरिट कहां पे आना है? एंड टू मेक मैटर्स वर्स, ग्लोबल कंपनीज भी इंडिया में अपने सुपरकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना अवॉइड कर रही थी। एग्जांपल के तौर पर आप सैंडिस्क और इंटेल को ही ले लो। इन कंपनीज ने तो ये साफ साफ कह दिया था कि इंडिया लैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नमेंट फंडिंग, जिसके वजह से उनका इंडिया में अपना प्लान सेटअप करने का कोई प्लान नहीं है। पर ये बात थी 2020 के पहले की, क्योंकि 2020 में
ऐसा कुछ हुआ जिससे दुनिया ने ये रियलाइज किया कि सेमीकंडक्टर इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और इसके सप्लाई को डाइवर्सिफाई करने की अर्जेंट जरूरत है। एंड देन कट टू नाउ, जब फॉक्सकॉन जैसी ग्लोबल कंपनीज अब इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है। इनका इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की वजह बिल्कुल सिंपल थी, टू सप्लाई दी एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ हार्डवेयर्स। जैसे हम लगभग हमेशा टेक्नोलॉजी से घिरे हुए रहते हैं, जिसे अब और भी ज्यादा स्मार्ट और एफिशिएंट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एंड इवन 5G, जो हमारे डेली प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में बहुत ही बड़ा योगदान देने वाला है। लेकिन यहीं पर बढ़ते AI या टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का क्या एक डाउनफॉल भी हो सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी की मदद से हम आगे तो बढ़ रहे हैं, बट हम एक तरह से हमारे ह्यूमन नेचर से भी दूर होते जा रहे हैं? एफिशिएंसी इन टास्क तो बढ़ती जा रही है, लेकिन इनएफिशिएंसी इन इंटरैक्शंस एंड इमोशंस भी दूसरे साइड पर क्रिएट हो रही है। तो फिर क्या इंडिया का टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना और उसके सराउंडिंग फ्यूचर बिल्ड करना जरूरी है, या फिर इंडिया ने अपने रूट से जुड़े रहकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहिए जो हमें हमेशा ग्राउंडेड रखेगा रियलिटी में और ना कि वर्चुअल रियलिटी में? वेल फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर एक ऐसी किताब है जिसमें इन सारे सवालों का जवाब आपको डिटेल में मिलेगा, जिससे आपको यह बात भी समझ में कि कैसे AI इंसानों की लाइफ को एक्चुअली में रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है और कैसे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। अब अगर हमारे फ्यूचर पर आप और भी गहराई में झांकना चाहते हो तो ये किताब आपको मिलेगी कुकू FM ऐप पर। कुकू FM ऐप इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको डिफरेंट जॉनर्स की किताबें जैसे बिजनेस, हिस्ट्री, मोटिवेशन, फाइनेंस, बायोग्राफी, करियर, लीडरशिप जैसे जॉनर्स में 9 अलग अलग लैंग्वेजेस में ये किताबें सुनने मिलेगी। इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन वैसे तो 399 रुपीस है, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड GETSET50 यूज करोगे तो आपको सीधा 50% ऑफ यानी 199 रुपीस में इसका साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो अभी जाओ डाउनलोड करो कुकू FM ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद इन योरसेल्फ। बट हियर द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स, राइट, कि ऐसा क्या हुआ 2020 में? वेल, द आंसर इज ग्लोबल चिप शॉर्टेज। सो फ्रेंड्स, हुआ ये था ना, जब दुनिया के सारे देश अंडर लॉकडाउन थे, इनिशियली तो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव्स और दूसरे कमोडिटीज की डिमांड कम हुई, सो फैक्ट्रीज ने मैन्युफैक्चरिंग को स्लो डाउन कर दिया और उन्होंने अपने सेमीकंडक्टर चिप्स के ऑर्डर्स को भी कैंसिल कर दिया। एज अ रिजल्ट सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज ने भी अपना प्रोडक्शन स्लो डाउन कर दिया। बट देन सडनली जैसे ही लॉकडाउन हटा, कंज्यूमर डिमांड स्पाइक हो गया एंड चिप्स की डिमांड रिकवर्ड फास्टर देन एक्सपेक्टेड। और ये वो समय था जब दुनिया के सभी चिप मैन्युफैक्चरर्स मिलके भी इस डिमांड को मीट नहीं कर पाए, उनकी कैपेसिटी ही नहीं थी, और इससे दुनिया के एटलीस्ट 169 कंट्रीज इफेक्ट हुए। इवन दुनिया का लार्जेस्ट चिप मेकर TSMC, जो कि अकेले ही कंट्रोल करता है ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का 28%, वाज एक्सपीरियंसिंग शॉर्टेज। अब हाँ, फिलहाल बहुत कम कंट्रीज है जो ये चिप्स को मैन्युफैक्चर करती है, जैसे द USA, चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान एंड EU। एंड लुकिंग एट द नेसेसिटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इन कंट्रीज की गवर्नमेंट्स ने भी इसके बाद अपने चिप प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने का डिसीजन ले लिया। सो अमेरिका ने भी चिप्स एक्ट के तहत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को $52 बिलियन का बजट अलॉट कर दिया, और साउथ कोरिया ने अपनी इंडस्ट्री का बजट बढ़ा के $450 बिलियन का कर दिया। EU ने भी अपने सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए 34 बिलियन यूरो एलोकेट कर दिए, कि सिर्फ हैंडफुल कंट्रीज ही सेमीकंडक्टर्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ऑन द फर्स्ट प्लेस। वेल, द रीजन इज बिकॉज सेमीकंडक्टर्स दिखने में भले ही एक छोटा सा चिप लगता हो, लेकिन उसे बनाने का प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टेज्ड होता है। बट डोंट वरी, प्रोसेस कॉम्प्लेक्स जरूर है बट उसे समझना बिल्कुल सिंपल है। सो अलाउ मी अ चांस। वेल, फर्स्ट स्टेप होता है डिजाइनिंग। ऑब्वियसली कोई बिल्डिंग बनाने से पहले, कोई भी आर्किटेक्चर बनाने से पहले उसका डिजाइन बनता है, वैसे ही सेमीकंडक्टर चिप्स बनने से पहले उसे डिजाइन किया जाता है, और ये काम सॉफ्टवेयर लेवल पर होता है। डिजाइनिंग करने वाली कंपनीज को फैबलेस कहते हैं, एंड इजराइल इज अ वर्ल्ड लीडर इन चिप डिजाइनिंग। अब क्योंकि मैप मेकिंग हो गया, तो अब करना पड़ेगा आर्किटेक्चर या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन। सो चिप डिजाइन होने के बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग, एंड माइंड यू यही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट स्टेप होता है। मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज को फाउंड्रीज बोलते हैं, और इस सेक्टर को डोमिनेट करता है ताइवान। दुनिया के 63% सुपरकंडक्टर्स यहीं पे बनते हैं और 13% अमेरिका में। आप कोई भी मदरबोर्ड उठा के देख लो, उसमें मोस्ट प्रोबेबली मेड इन ताइवान लिखा होगा, और मोस्ट ऑफ दी कंपनीज जो है जो मदरबोर्ड्स को बनाती है, वेदर दैट्स एसूस, वेदर दैट्स MSI और दैट्स गीगाबाइट, ये सभी ताइवानीज कंपनीज है। इसके बाद फाइनल स्टेप होता है असेंबली का, जहां से सारे पार्ट्स कंपाइल करके एक इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC बनाया जाता है। आज के तारीख में कोई भी कंट्री स्टेप 1 से लेकर स्टेप 3 तक
सब खुद करके सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट नहीं बन पाई है। और इसके पीछे कुछ रीजंस है। बिकॉज नंबर वन, पावर सप्लाई। सेमीकंडक्टर फाउंड्रीज हर घंटे अराउंड 100 मेगावाट आवर्स ऑफ पावर यूज करता है, जो कि किसी ऑयल रिफाइनरी या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से कहीं ज्यादा है। नंबर टू, वाटर। एक सेमीकंडक्टर प्लांट के डेली का मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट इज अबाउट 2 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर। लेट मी टेल यू, अगर इंडिया की ही बात कर ले तो इंडिया में 9 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास बेसिक वाटर सप्लाई नहीं है। और ऐसे ही सिमिलर सिचुएशंस काफी सारे फॉरेन कंट्रीज के भी होते हैं। नंबर थ्री, फाइनेंसेस। रनिंग अ सेमीकंडक्टर फैक्ट्री रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए एटलीस्ट 3 से 4 बिलियन डॉलर्स यानी 22,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट लगता है। नंबर फोर, हाई सैनिटेशन रिक्वायरमेंट्स। इट इज अ हाईली सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस। डस्ट के छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स भी एक सिलिकॉन के पूरे वेफर को रुइन कर सकते हैं। नाउ हमें बताया कि इंडिया में पहले से ही पावर और वाटर सप्लाई के इश्यूज चलते हैं, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट्स प्रोडक्शन हैज बीन लैग्ड। बट इंडिया स्टेप वन यानी डिजाइनिंग में ऑलरेडी वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज है। दुनिया के सारे सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स में से 20% इंडियंस है। 2000 से भी ज्यादा इंटीग्रेटेड सर्किट्स और चिप्स इंडिया में ही डिजाइन किए गए हैं। इनफैक्ट इंडिया अपने डिजाइनिंग कैपेबिलिटीज को और डेवलप करने के लिए अपने यूनिवर्सिटीज में सुपरकंडक्टर रिलेटेड स्टडीज को एंकरेज भी कर रहा है। बट अब जब हम डिजाइनिंग में लीड कर ही रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्यों नहीं लिया जाए इस इकोसिस्टम को कंप्लीट करने के लिए। और इसीलिए अब इन चिप्स का बढ़ता डिमांड फुलफिल करने के लिए और इंडिया में फॉरेन कंपनीज को इनवाइट करने के लिए इंडिया ट्रूली नीड्स टू सेट अप अ फुल फ्लेज्ड सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। और इसी को अचीव करने के लिए 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम अप्रूव किया। इसके तहत सेमीकंडक्टर डिजाइन्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट्स इंडिया में सेटअप कराने के लिए 76,000 करोड़ रुपीस या 10 बिलियन डॉलर्स एलोकेट किए गए हैं। द प्लान इज टू सेटअप 20 सेमीकंडक्टर प्लांट्स इन द कमिंग 6 years। मतलब गुजरात सेमीकंडक्टर प्लांट इज नॉट द ओनली वन, देयर आर मोर टू कम। इन स्कीम्स के वजह से नॉट ओनली फॉक्सकॉन पर और भी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। जैसे कि कर्नाटका में एक प्लांट सेटअप करने के लिए इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर कंसोर्टियम ISMC विल बी इन्वेस्टिंग 23,000 करोड़ यानी 3 बिलियन डॉलर्स। इससे 1500 डायरेक्ट और 10,000 इनडायरेक्ट जॉब्स जनरेट होंगे। एंड इवन तमिलनाडु में IGSS वेंचर्स नाम की एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी इज विलिंग टू इन्वेस्ट 25,600 करोड़ फॉर अ चिप मेकिंग प्लांट। इस प्रोजेक्ट से 5,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। प्लस ऑन द अदर फ्रंट, जैसे कि हमें पता है सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में कहीं ना कहीं ग्लास और डिस्प्ले का तो यूज होता ही है, और इसीलिए इंडिया में सेमीकंडक्टर्स के साथ डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग भी चालू होगा। 124,000 करोड़ डिस्प्ले फैब्रिकेशन फैक्ट्री इज कमिंग अप इन तेलंगाना। इनफैक्ट वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट में भी 94,000 करोड़ डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा और 60,000 करोड़ इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। सो इवन दो फ्रेंड्स, हम इस रेस में भले ही लेट आए हो, बट मेक इन इंडिया मिशन में ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। इससे हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस कम होगा, बिकॉज इससे हमारा खुद का एक रॉबस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी एस्टैब्लिश हो जाएगी। और रिजल्टिंगली ये काफी ऑब्वियस बात है कि अगर चिप्स का मैन्युफैक्चर लोकली ही इंडिया में होगा तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के कॉस्ट तो घटेंगे। इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट, जिसकी करंट वैल्यू इज अबाउट 27 बिलियन डॉलर्स, 19% के ग्रोथ रेट के साथ बढ़ेगी एंड बाई 2026 इट वुड बी अ 64 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। और इसीलिए फ्रेंड्स, वी ऑल कैन से कि गुजरात का ये सेमीकंडक्टर प्लांट इज अ ग्रेट साइन ऑफ प्रोग्रेस फॉर द होल नेशन। आई ट्रूली मीन दैट। बट डू यू नो, अंटिल जुलाई 2022 ये प्लांट पहले महाराष्ट्र में होने वाला था। वेल, एकदम से लास्ट मोमेंट में इस प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र से हटा के गुजरात में डाल दिया गया। अपेरेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी इस प्रोजेक्ट के काफी ल्यूक्रेटिव ऑफर्स रखे, जैसे कि कैपिटल सब्सिडी ऑफ 30%, पावर टैरिफ सब्सिडी ऑफ 1 रुपी पर यूनिट, विच वॉज एक्चुअली बेटर देन 25% कैपिटल सब्सिडी एंड 3 रुपीज पर यूनिट सब्सिडाइज पावर टैरिफ जो गुजरात गवर्नमेंट ने ऑफर किया। देन व्हाई डिड द प्रोजेक्ट गो टू गुजरात? वेल, ऑफिशियल स्टेटमेंट तो ये कहते हैं कि गुजरात ने बेटर लैंड रिलेटेड इंसेंटिव्स ऑफर किए, बट इज दैट ट्रूली ऑल? सिंस इन इंडिया, डोंट यू थिंक एवरीथिंग इज अबाउट पॉलिटिक्स? और गुजरात के असेंबली इलेक्शंस तो नेक्स्ट साल ही होने वाले हैं, और बस इसी बात पर महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में एक पॉलिटिकल ब्लेम गेम चल रहा है। बट
एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग एंड ये डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी बात है कि एटलीस्ट इंडिया में ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं एंड द करंट गवर्नमेंट इज हेल्पिंग एंड फैसिलिटेटिंग इन टेकिंग दी स्टेप्स. और इससे ये भी तो चीज अच्छी हो रही है ना कि कहीं ना कहीं अब स्टेट्स भी आपस में कंपीट कर रहे हैं टू प्रोवाइड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज हर किसी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स तो अट्रैक्ट करना ही है. सो इसी बहाने स्टेट्स का भी भला हो रहा है. अब आपकी क्या राय है इस इशू को लेकर? क्या आपको लगता है प्रोजेक्ट का गुजरात में शिफ्ट हो जाना एट द लास्ट मोमेंट वाज फेयर प्ले, या फिर इसके पीछे एक पॉलिटिकल मोटिवेशन था? और अगर पॉलिटिकल मोटिवेशन था भी तो वाज इट रॉन्ग? क्योंकि करंट गवर्नमेंट अच्छे कदम तो उठा रही है, सो क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए या मिलना चाहिए? व्हाट डू यू गाइस थिंक? हम सभी जानते हैं गुजरात करंट प्राइम मिनिस्टर का होम स्टेट है. और अगर इस वीडियो को देखकर आपको कुछ भी नया सीखने मिला या आपका सीना गर्व से चौड़ा हो उठा, एक लाइक जरूर ठोकना. गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली ऐसे ही लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियोस आप कभी भी मिस ना करो. और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर ये बुक को चेकआउट करना मत भूलना ऑन कुकू FM ऐप. यूज माई कूपन कोड टू गेट 50% ऑफ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स. टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग. जय हिंद.